जय हिंद, वंदे मातरम, भाई बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल द न्यूज लैब में। आज हम जानेंगे मौसम के समाचार को इस वीडियो के जरिए, तो आप बने रहेगा इस वीडियो में आखिर तक। और हाँ, शुरू करें उससे पहले आप अपने गांव, शहर या राज्य का नाम इस कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके गाँव, शहर और राज्य के मौसम के समाचार सबसे पहले आपको दिखा सके और हमें पता चल सके कि हमारे कंटेंट कहाँ कहाँ से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से। आपको बता दें, दिल्ली NCR में आज मौसम में नमी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। सुबह यहाँ 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिन में बादल छाने के साथ ही शाम को हल्की बारिश होने और गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान के लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, लेकिन शाम में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिलने के आसार भी हैं। दिल्ली NCR में मंगलवार को सुबह उमस भरी रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो आपको बता दें मानसून की रफ्तार कुछ धीमी हुई है, इस कारण उमस भरी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। मंगलवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मानसून हवाओं ने पूरी तरह से क्षेत्र को अपने दबाव में ले रखा है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ बारिश के आसार है। मंगलवार को आगरा का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, कानपुर का 25 डिग्री सेल्सियस, बहराइच का 26 डिग्री और गोरखपुर का 25 डिग्री और मेरठ का 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को आंशिक बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को राज्य के कई क्षेत्रों में हुई मामूली बारिश के बाद कई क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का मंगलवार को न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के अन्य शहरों, भागलपुर का मंगलवार को न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, पूर्णिया का 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि राज्य के उत्तर और पूर्वी इलाकों में बारिश के आसार है, हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है। वही बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में बुधवार की सुबह से बादल छाए हुए हैं और गर्मी से राहत है। वहीं मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में सक्रिय हुए मानसून ने बड़े हिस्से के तर बतर कर दिया, तापमान में भी गिरावट आई है और गर्मी का असर कम हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान भोपाल में 167.5 मिलीमीटर, खंडवा में 163 और गोरेगांव में 117.4 मिलीमीटर, नरसिंह में 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को सुबह से आसमान पर बादलों के छाए होने से गर्मी और उमस का असर कम है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मौसम से जुड़ी सभी खबरें मिल चुकी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।